नमस्कार, मैं जेबा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24। बढ़ते हैं झांसी की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। जानकारी के अनुसार सुबह क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब ग्राम धौरा में खेत पर एक नाबालिग लड़की की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर देने की सूचना आई। लड़की के पिता बबलू प्रजापति ने बताया कि वह सुबह अपनी पुत्री के साथ खेत पर आया तथा खेत के पास में नदी होने के कारण वह कपड़े धोने के लिए भी लाया था। घर में बंधे मवेशियों के लिए चारा काटने के लिए कुल्हाड़ी भी लाए। कुल्हाड़ी पुत्री के हाथ में थी। जैसे ही बबलू पुत्री के साथ खेत के पास पहुंचा तभी घात लगाए बैठे लगभग 8 आदमी एवं 2 महिलाओं ने दोनों पर हमला बोल दिया। बबलू ने दौड़ लगाकर अपनी जान बचाई लेकिन उन हमलावरों ने पुत्री के हाथ से कुल्हाड़ी छुड़ाकर उसकी गर्दन पर वार कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर क्षेत्राधिकारी विवेक सिंह, कोतवाली प्रभारी शैलेंद्र सिंह, अतिरिक्त प्रभारी सुनील कुमार व झांसी से ग्रामीण पुलिस अध्यक्ष घटना पर पहुंचे व घटना की जांच करने में जुट गए। पुलिस शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झांसी से चंचल राय के साथ रवि प्रजापति की रिपोर्ट। आज सुबह एक बच्ची को कुछ लोगों के द्वारा मारने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया। उनके पिता के द्वारा बताया गया है कि पैसे के लेन देन को लेकर पड़ोस के गांव के लोगों के साथ उनका विवाद था जिसमें महिला और पुरुष में हमला करके उनकी बच्ची को हत्या कर दी। पुलिस ने घटनास्थल का विजिट कर लिया है। महत्वपूर्ण सुराग हमें घटनास्थल से मिले हैं। जो भी विधि प्रक्रिया उसको पुलिस संपन्न करवा रही है।